मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सरकाघाट में वृद्ध महिला के साथ हुई क्रूरता के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में इस प्रकार के कार्य कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आस्था के नाम पर किसी को भी प्रताड़ित करना हमारे धर्म में नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन भी उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और रात को ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी खुद की नजर इस पूरे केस पर है और वो इस केस पर डेली रिपोर्ट पुलिस से ले रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए जो हमने आदेश दिए हैं, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और कम से कम हिमाचल जैसे देवभूमि प्रदेश में इन सारी चीजों के लिए कोई स्थानीय आस्था के नाम पर कोई भी इस प्रकार की बात करने से वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश उसी दिन दिए जिस दिन मुझे पता लगा। गिरफ्तारियां रात को ही उसी दिन कर दी और जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।